नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही चैनल अवध का आलोक पर। आज का ये ब्लॉग कम एक छोटा सा फूड ब्लॉग या फिर रिव्यू ब्लॉग होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आज हम लोग आ गए हैं पल्लवी वाटी चोखा पर, जो कि एक रिकमेंडेड रेस्टोरेंट था हम लोगों के लिए। किसी के द्वारा रिकमेंड किया गया था कि एक बार आप लोगों को वहाँ पर जाकर वहाँ के देसी फूड ट्राई करने चाहिए। वैसे तो यहाँ पर देसी फूड में अगर देखा जाए तो नाम तो इसका वाटी चोखा है, लेकिन यहाँ पर आपको फरे, निमोना या फिर देसी आइटम्स जो भी आपको चाहिए होंगे सब बड़े आसानी से मिल जाते हैं। होटल को बहुत ही सुंदर सजाया गया है बिल्कुल देसी लुक में, इस वजह से ये और भी ज़्यादा खास हो जाता है। ये छूका करने आए हैं छू, ये देखो छू गांव में आ गया है। ग्रामत छू एक गांव में आया हुआ है। यहाँ गांव मत करो यार, ये क्या गंदी बात करने लगे। देखो हाँ ये ले लो ना, ले लो, लेकिन उतरो यहाँ से तब लो, इस पे बैठ के ये लो। हाँ को इसको क्या करोगे आप, चाय 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 पियो, पी लो चाय। वाह भाई, शू चाय पी रहा है। नहीं वो कार्ड इसके पीछे हमें लगता है, हाँ मिट्टी ही तो है, लेकिन इसके पीछे वो कार्डबोर्ड होगा मुझे लगता है। पहुँचते ही सबसे पहले हमको फूड मेनू दिया गया, जिसके हिसाब से हम लोगों ने दो अलग अलग तरीके की बाटी चोखे के साथ सबसे पहले ऑर्डर की। चाट रहा है क्या कर रहे हो उसके साथ, चाटी अच्छा लग रहा है हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है ना। हम सब लोगों को पसंद है, बड़े हो जाओ फोड़ फोड़ खाए जाएगा। देश की मिट्टी है, देश की मिट्टी है। थोड़ी देर ही हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ा और उसके बाद हम लोगों का फूड हम लोगों के सामने था। यहाँ पर जो स्टाफ थे उनका बिहेवियर काफ़ी हम्बल लगा, बार बार उनकी जो बातचीत का तरीका था, हर बात में थैंक यू और बाकी चीज़ें बोलना, वो काफ़ी ज़्यादा जैसे अट्रैक्ट करने वाली चीज़ थी। जो भी चीज़ थी बिल्कुल ताज़ी थी, स्वाद के क्या ही कहने। हम लोगों ने सबसे पहले सत्तू बाटी ट्राई की और सत्तू बाटी का जो स्वाद था वो आपको आपकी घर वाली बाटी से भी कहीं ज़्यादा अच्छा फील देने वाला था। तो यहाँ पर अब एक एक करके जो है हर तरीके की जो हमारी बाटी थी उसका हम लोग आनंद उठा रहे हैं। और यहाँ की जो पनीर बाटी है उसको ट्राई करना तो ज़रूरी बनता है, कभी भी आइए तो एक बार उसे ज़रूरी ट्राई कीजिए। शिव यहाँ पर से प्याजी बैठ के खा रहे हैं, हम लोगों ने बहुत ट्राई किया कि बच्चा कुछ और भी खा ले, लेकिन उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। देखिए पनीर बाटी की स्टफिंग कैसी है, बिल्कुल अंदर पनीर का जो स्टफ है वो आपको दिखेगा। और अंततः मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, जिसने भी मुझे रिकमेंड किया मैं उसे थैंक यू बोलूँगा, होटल स्टाफ को थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि ये हम लोगों के हिसाब से जो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था उस पर कहीं ज़्यादा खरा उतरता है। और स्वाद के तो क्या ही कहें। देवकाली से जब आप रीटगंज रोड की तरफ बढ़ेंगे तो रिलायंस स्मार्ट के सामने जो ओवर ब्रिज है बिल्कुल उसके स्टार्टिंग में ही आपको ये रेस्टोरेंट दिख जाएगा। इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, बाय बाय।